जोड़ों का दर्द लगाने के सिर्फ 10 मिनट में आपको आराम देना शुरू कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बगीचे में जो है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती देखते हैं, उनके गुणों के बारे में हम नहीं जानते, इसी वजह से हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसा ही एक औषधीय पौधा है जो हमारे बगीचे में देखने को मिलता है, और वो है सुदर्शन का। सुदर्शन का उपयोग अनेकों रोगों से निजात पाने के लिए किया जाता है। सुदर्शन जो है जोड़ों का दर्द, कान का दर्द, बवासीर जैसी बहुत सी बीमारियों में बहुत उपयोगी है। आज के वीडियो में हम सुदर्शन की पहचान, फायदे व इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पौधे की पहचान के बारे में बात करते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। सुदर्शन एक अंडेकार कंद होता है, जैसे हमारी प्याज होती है उसी तरह से इसके अंदर सफेद रंग का एक कंद होता है। सुदर्शन पर सफेद रंग का फूल भी आता है। सुदर्शन की जो पत्तियां होती हैं वो जैसे बाजरे की पत्तियां होती है उसी तरह से लंबी लंबी पत्तियां होती है हरे रंग की, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ी सी थिकनेस होती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा होता है। इस पौधे को आप बहुत कम देखभाल के साथ अपने गार्डन में गमले में भी लगा सकते हैं। सुदर्शन जो है मीठा, कड़वा और तीखा होता है। हजम करने में ये भारी और तासीर में गर्म होता है। सुदर्शन जो है वात कफ को कम करता है। सुदर्शन का जो वानस्पतिक नाम है वो क्राइनम लेटिफोलियम है। वैसे तो इसे और भी काफी नामों से जाना जाता है, जैसे मेरे यहाँ इसे सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, कुछ जगह इसको सुखदर्शन के नाम से भी जाना जाता है, और संस्कृत में इसको मधुपानिका के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसके हमें क्या क्या फायदे हैं और इसको किस रोग में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। नंबर एक, जोड़ों के दर्द में फायदेमंद। गठिया के रोग में सुदर्शन का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करता है। जोड़ों में दर्द या उसमें सूजन आने पर इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए सुदर्शन की जड़ को पीसकर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों का दर्द लगाने के सिर्फ 10 मिनट में आपको आराम देना शुरू कर देगा, और सूजन जो है वो भी कम होने लगेगी। इसके पत्तों पर जैतून का तेल लगाकर घुटनों पर बांधने से भी घुटनों का दर्द दूर होता है। नंबर दो, कान के दर्द में फायदेमंद। कान के दर्द में सुदर्शन का उपयोग बहुत समय पहले से किया जाता रहा है। जब हम छोटे थे तब हमने बुजुर्गों से सुना भी है और बहुत बार इसका उपयोग करते देखा भी है। मेरे कजन को तो सुदर्शन का पौधा बहुत चमत्कारी लगा, क्योंकि उसने जो है इसकी पत्ती का उपयोग उनकी वाइफ के कान के दर्द में उपयोग किया, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द कान के दर्द में आराम मिल गया था। कान के दर्द में इसके पत्तों को हल्का सा सेक कर उसका रस निकाल ले, और उस रस की एक दो बूंद कान में डालने से कान के दर्द में जल्दी आराम मिल जाता है। नंबर तीन, बवासीर में फायदेमंद। बवासीर एक भयंकर दर्द देने वाला रोग है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। सुदर्शन जो है बवासीर के दर्द में भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए सुदर्शन के कंद को पीसकर बवासीर के मसों पर लेप करने से बहुत लाभ मिलता है। नंबर चार, चरम रोग में फायदेमंद। कुष्ठ घाव जो हो जाते हैं उनको सुखाने में भी सुदर्शन बहुत फायदेमंद है। सुदर्शन की जड़ जीरा और चकरमर्द के बीज बराबर मात्रा में पीसकर लेप करने से दाद, खुजली और कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। चकरमर्द के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। चकरमर्द एक ऐसा पौधा है जो चरम रोग का स्पेशलिस्ट है, यानी कि चरम रोग के बहुत से रोगों को ये खत्म कर देता है। चक्रमर्द पर जो वीडियो हमने बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। नंबर पाँच, फोड़ा फुंसी में फायदेमंद। फोड़ा फुंसी में सुदर्शन बहुत उपयोगी माना जाता है। इसके लिए इसके शलकंद को भून लें और फिर उसे पीसकर फोड़ा या फुंसी जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उसका लेप कर दें। इससे फोड़ा फुंसी में जल्दी आराम मिलता है। इस पौधे के और भी बहुत से औषधीय गुण हैं, जैसे बुखार में, सफ़ेद पानी की समस्या में। दोस्तों, आपने इस पौधे को कभी अगर उपयोग किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसका उपयोग किस रोग में और कैसे किया, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर कमेंट पढ़ने वाले को भी लाभ मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।